Welcome to my channel. Today we will discuss about parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So let us start with the parallel axis theorem. अब ये parallel axis theorem क्या है? एक अगर हम लोग सीधा statement की बात करें तो statement आता है moment of inertia of any rotating body about any axis is equals to sum of its moment of inertia passing through its center of mass and product of mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes. That is the statement. Actually, what is the meaning of that statement? First of all, I want to mention you that one. एक practical observation के through हम लोग अगर वो part देख लें तो हमारा अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगा एंड वंस वी अंडरस्टैंड तो उस थ्योरम का प्रूफ इज़ वेरी इजी फॉर अस. सो उसको मैं बताता हूँ कि हाउ वी विल प्रूव एंड इनफैक्ट आई हैव ड्रॉन हियर ये कोई बॉडी है. सपोज अगर मैं इसको सेपरेटली बात करूँ तो ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसके सेंटर पे है. तो ये एक्सिस जो है दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. ये एक्सिस जो है ये कहाँ से पास कर रही है? सी फॉर सेंटर ऑफ मास. एज वी कैन सी, सी इज द सेंटर ऑफ मास एंड दिस बॉडी कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस दैट इज द सेंटर ऑफ मास. पे हम इस बॉडी को ऐसे रोटेट कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन वी कैन रोटेट दिस बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे. तो मैं अभी फिलहाल के लिए यह एक्सिस रिमूव कर रहा हूं एंड दिस इज द एक्सिस. ये कोई एक्सिस है जहां पे बॉडी रोटेट कर रहा है, दैट पॉइंट आई हैव टेकन एज ओ. तो बॉडी नाउ बॉडी कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस आल्सो लाइक दिस वे. वी कैन रोटेट द बॉडी लाइक दिस वे ऐसे. तो बॉडी कैन रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, दिस इज एनी एक्सिस एंड दिस सी पार्ट वाला जो एक्सिस है ये जो एक्सिस सी से उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है दैट इज द एक्सिस मोमेंट. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय आई सी. इसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई सी से, आई सी. और ये हो गया हमारा आई नॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एनी एक्सिस एंड नॉट नेसेसरी. ये एक्सिस यहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है, बट मैंने फॉर माई कन्वीनियंस तो मैं समझा सकूं उसके लिए ये एक्सिस मैंने यहाँ पे लिया है. ये पूरा जो बॉडी है इस पूरे बॉडी का मास m है. अगर हम ऐसे देखें तो अभी दो एक्सिसेस पास हो रही है, एक थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड अदर थ्रू अबाउट एनी एक्सिस. और ये दोनों एक्सिसेस कैसे हैं? दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो वी कॉल इट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि दो एक्सिसेस इसमें कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं. सो इट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पार्ट आई सी है, ये सी, सी फॉर सेंटर ऑफ मास. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी पासिंग अबाउट, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ विच इज एनी एक्सिस, आई नॉट. और इन दो पैरेलल एक्सिसेस के बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज यू कैन सी दैट इज h. h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिसेस. और पूरे बॉडी का मास क्या है? दैट इज कैपिटल M. हम लोग एक छोटा सा मास इसका कंसीडर करेंगे दैट इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास दैट इज dm. तो ये पॉइंट p है, एट दिस पॉइंट आई हैव टेकन अ स्मॉल मास एज dm. ये पॉइंट dm. नाउ ये dm का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास और इस एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस है दैट इज एनी थिंग वी कैन टेक. यहाँ पे मैंने cp लिया है और op लिया है, cp एंड op. cp इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड op इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी एक्सिस एंड यहाँ पे छोटा स्मॉल एलिमेंट हमने dm लिया है. फिर हमने ये एंटायर पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसमें हम लोग एक पार्ट और कंसीडर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है. इनफैक्ट आई विल राइट अबाउट इट लेटर ऑन कि प्रोड्यूस CO, CO को आगे की तरफ बढ़ाया and we will draw perpendicular from P. Let both meet at point D, as you can see. ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है. नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस, मेरा मेन रीजन ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बताने का ये था कि हम डायग्राम ऐसे क्यों ले रहे हैं. और फाइनली हमें आई नॉट, आई सी और एच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मास ऑफ द बॉडी में क्या रिलेशन है. तो रिलेशन हमारा जो है वो है आई नॉट. This we have to remember the formula. I naught is equals to IC plus M into H square. Terms must be clear. I naught kya hai? I naught is the moment of inertia for rotating body about any axis, and IC kya hai? Moment of inertia of rotating body about an axis passing through its center of mass. M is the mass of the rotating body and H is the द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिसेस. तो हमें इसी को डिफाइन करना है. दिस इज बिकम द स्टेटमेंट. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिसेस? पहले तो मैंने इसको फार्मूला लिख दिया है. आई नॉट इज आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर. बीच में प्लस है. तो एक एक टर्म मैंने डिफाइन किया है. व्हाट इज आई नॉट? इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू. Sequentially I have written all the numbers. Just we'll compile the numbers and we'll get the statement. So what are the numbers? 1. Moment of inertia for rotating body about any axis is equals to sum of its, third number, moment of inertia about an axis passing through its center of mass, that is 4, and product of, that is 5. 6 number is mass of rotating body. And h square it is the square of the perpendicular distance between two parallel axes. So overall we can say moment of inertia. Statement is very important. हमें एक question पूछता है board में, state and derive an expression for the parallel axis theorem or perpendicular axis theorem. तो statement is also very important. And for learning the statement, how to remember it, this is the best way I can say. I naught is equals to IC plus MH square. So moment of inertia of rotating body about any axis is equals to sum of its moment of inertia passing through its center of mass and the product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between two parallel axes, that is H. So same term is here, a statement is here already. Now we can say whatever I was shown in the practical diagram, that is here in 2D form. ये कोई irregular shape का body है. This is any irregular shape of rigid body and this is the axis which is passing through its center of mass C. So it is IC and this is the axis which is at which the body is rotating. That axis is passing through point O and that's moment of inertia is I naught. Capital M is the mass of the total mass of the body and dm is the small element of mass as dm which is at distance OD from point O and it is at distance CD from point C. हमने कंस्ट्रक्शन किया है. प्रोड्यूस ओ सी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी. लेट दे मीट एट पॉइंट एन. सो दिस इज द डायग्राम. आई हैव मेंशन ओवर हियर आई नॉट क्या है, आई सी क्या है, डी एम इज द स्मॉल मास, एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिसेस. नाउ कंस्ट्रक्शन पार्ट वी कैन राइट. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ओवर हियर? कंस्ट्रक्शन पार्ट हम लोग लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन. सो क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ओसी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी. प्रोड्यूस ओसी एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी. लेट दे मीट एट पॉइंट एन. Okay. Now we have to establish the relation between, हमें prove क्या करना है? To prove we can write to prove, क्या prove करना है? I naught is equals to IC plus MH square. This part we have to prove. So we'll start with the diagram. डायग्राम में हम लोग देखें, पहले हम लोग IC क्या है और I naught क्या है that we can find out. So IC क्या होगा? IC and I naught just we'll write. So we can say मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम I naught की बात करें तो I naught क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस, और वो एक्सिस हमारा ये है. तो यहाँ से dm का जो डिस्टेंस है दैट इज OD. OD इज द डिस्टेंस फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास. तो वैसे हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो क्या है? I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर. I is equals to mr square. तो इस मास का dm का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फ्रॉम दिस एक्सिस, उसके लिए हम लोग कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे? OD. फॉर दैट वी विल यूज द टर्म OD. ओके, जस्ट स्मॉल डायग्राम आई विल पेस्ट ओवर हियर, छोटा सा. ओके, सो इन दिस केस हम लोग को I naught और IC पहले स्पेसिफाई करना है. तो फर्स्ट वी विल राइट फर्स्ट पार्ट फॉर I naught, I can say for I naught that is moment of inertia about any axis passing through point O. So O point से हम सारे distances measure करेंगे. तो we can write now moment of inertia of body of not body moment of inertia of mass dm about an axis passing through point O. O point से. तो already we know what is the formula for moment of inertia. That is I is equals to mr square. So instead of m we have mass dm and distance from O, from this axis it is OD. So it will be equals to OD square dm, OD square into dm. So moment of inertia we can write therefore moment of inertia of whole body about an axis passing through point O, it will be I naught is equals to ये हमने निकाला था मास dm के लिए, दिस वॉज फॉर मास dm, बट पूरे बॉडी के लिए चाहिए तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू इंटीग्रेट इट. सो विल इंटीग्रेट विच टर्म? I naught will be इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर इंटू dm. OD स्क्वायर इंटू dm. दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. सेम वे फॉर सेकेंड टर्म व्हाट विल डू? सेकेंड टर्म में यहाँ हमने लिया था फॉर I naught, नाउ विल टेक फॉर IC. IC इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास दैट इज C. सो वी कैन राइट फॉर I सफिक्स C, इसके लिए हम लोग देखेंगे. सो सेम प्रोसीजर वी कैन राइट सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ mass dm about an axis passing through point C अब हम C की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट C से जो पास कर रहा है एक्सिस, वहाँ से DM का डिस्टेंस कितना है, दैट इज CD। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर होता है, तो R के जगह यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, CD स्क्वायर, और मास के जगह DM, सो इट विल बी DM इंटू CD स्क्वायर। सो वी कैन राइट CD square into dm. This part is very important. Therefore, moment of inertia अभी पूरे बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, वापस से उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। So, moment of inertia of whole body about an axis passing through point C, it will be IC, so we can write it IC will be integration of C से distance कितना है इसका, DM का, CD square, तो इस पार्ट को हम इंटीग्रेट कर लेंगे CD square DM, so integration of CD square into dm। दिस इज इक्वेशन 2 से मैं इसको इक्वेशन 1 लिया हूँ। हमें इनफैक्ट आई नॉट और आई सी यही दो टर्म चाहिए, तो आई नॉट ये है एंड दिस इज आई सी। ओके, सो वी गेट आई नॉट एंड आई सी, राइट, आई नॉट एंड आई सी, इट्स फाइन। अभी मेन टर्म्स हमें मिल गए, क्या क्या मिल गया, हमें चाहिए क्या था, व्हाट वी रिक्वायर आई नॉट आई सी। अब ये टर्म्स चाहिए, ये सेपरेटली हमने निकाला, तो अभी क्या करें, एज वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस पार्ट। तो आई नॉट मतलब हमें चाहिए क्या, अल्टीमेटली ओडी स्क्वायर चाहिए, सी डी स्क्वायर चाहिए, उसके साथ में डीएम आना चाहिए एंड इंटीग्रेशन आना चाहिए। So we can use this right angle triangle. In right angle triangle O and D में पाइथागोरस अप्लाई कर लें हम लोग, तो in right angle triangle O and D, now in right angled triangle O and D में according to Pythagoras theorem we can apply the Pythagoras theorem, so we'll get what, OD square is equals to ON square plus ND square. Okay, as we can see, OD square is equals to ON square plus ND square. Now, ON, what is ON? ON is OC plus CN, yeah, H plus CN we can say. I will write H plus CN. So, OD square is equals to H plus CN to the whole square plus ND square. Now A plus B to the whole square, what is A plus B to the whole square? It is A square plus 2AB, it is CN, plus B square, that is CN square plus ND square. Now we can see ये part CN square plus ND square. CN square plus ND square is CD square. So instead of this one we can write CD square. तो मैं इसके जगह CD square ले लूँगा. So we will get H square plus 2H into CN plus instead of this one we can write what? CD square. And this is OD, right? OD. Now what we have to do? अभी यहाँ पे हम लोग देखें सी डी स्क्वायर के साथ डीएम है और इंटीग्रेशन है, एंड ओ डी स्क्वायर के साथ डीएम है और इंटीग्रेशन है। यहाँ सी डी स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर है, बट डीएम नहीं है, तो डीएम का मल्टीप्लिकेशन कर दें सारे टर्म्स में और उनको इंटीग्रेट कर लें। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय डीएम एंड इंटीग्रेटिंग। सो नाउ multiplying both sides by dm and integrating. So what we will get? We will get integration of, we can write integration of od square dm. What I am doing? I am multiplying this term by dm and integrating. So this term plus integration of, no, it's not plus, it is equals to h square dm plus integration of 2h into cn plus, okay, and dm also we have to write, into dm plus integration of cd square into dm. So what I did, सारे terms को हमने dm के साथ multiply किया, this term and this term also with dm and integrate all the terms. Now as we can see this part from equation 1 and 2, integration of od square dm, integration of od square dm क्या है हमारा, that is I naught, and cd square dm, integration of cd square dm is ic. तो ये term हमारा ic हो गया और ये term हमारा I naught हो गया, तो we can write it. So I naught is equals to h square integration of dm plus 2h, h is also small, we can write 2 integration of h into cn into dm plus this term is ic. Now we can write this term as, and here we can write from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, okay, from, sorry, it's from equation 1 and 2. So therefore we are getting the final result, I naught is equals to h square and integration of dm will be m, total mass of the body is m, so that is m, plus, since these, okay, this term I will write cd square and this is ic. So we are getting I naught is equals to ic plus m into h square. Okay, now two more things we have to mention in this one. दो चीज़ें हमें और भी mention करनी है कि what happens with integration of dm, integration of dm becomes capital M. So we can write it somewhere, we can write in reason here, integration of dm is capital M, and one more thing, since h and dm are very small, so therefore integration of h into cn into dm term can be neglected. Okay, so we complete first derivation, that is the parallel axis theorem. Okay, so now we'll start perpendicular axis theorem, which is the second one, and you can download its PDF from the description box. In that one I will provide the link also. और second derivation जो है हमारा theorem of perpendicular axis, इसको स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज़ लाइक share this video, like and share this video, and you can subscribe my channel. So we will start the second derivation, that is the theorem of perpendicular axes. Perpendicular axes. First of all, I will talk about the lamina. One term is there, lamina. What is the lamina? Lamina क्या होता है? Any thin sheet, any thin membrane may be called as lamina. Any thin sheet may be called as lamina. Like एक thin paper होता है, उसको हम लोग plain lamina बोलते हैं. Plain lamina क्यों बोलते हैं? Because thin paper का जो thickness है that is negligible. तो उसके सिर्फ दो एक्सिसेस कंसीडर होंगे, वन विल बी एक्स एंड अदर इज वाई, और जो दो कोऑर्डिनेट से मिलके बना होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन. तो प्लेन लैमिना हम उसको सीधा बोलेंगे प्लेन लैमिना. तो प्लेन लैमिना है. और थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिसेस क्या है कि दिस थियरम स्टेट्स दैट, इनिशियली आई विल टेल यू द थियरम एंड बाद में हम लोग उसके बारे में और बात करेंगे. तो थियरम स्टेट्स दैट moment of inertia of a plane lamina rotating about any axis which is perpendicular to its plane is equals to sum of its moment of inertia about other two mutually perpendicular axes. That is the statement. अब ये statement का meaning क्या है उसको मैंने simplify करने के लिए थोड़ा बताया हुआ है कि suppose ये हमारा plane lamina है, this is our plane lamina. हालांकि इसकी thickness थोड़ा है तो but we will neglect it. तो this lamina have two axes we can say. ये दो axes हैं, one is x axis, this axis is the x axis and this axis is the y axis. तो ये दो coordinate से मिलके बना है, so we call it plane. ये plane है. तो plane lamina we are telling. अगर मैं यहाँ पे एक perpendicular ऐसे कोई पेन लगा दूँ या कोई भी obstacle दे दूँ, तो नाउ दिस इज वन ऑफ द एक्सिस. ये एक एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस कैसा है? इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लैमिना. ये इस लैमिना के परपेंडिकुलर है. और वी कैन रोटेट दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस, ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं. तो अगर ये रोटेट हो रहा है इस एक्सिस पे और ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना और वी कैन से प्लेन ऑफ द पेपर. तो दिस इज z एक्सिस. ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर हम लोग इस एक्सिस में कोई पॉइंट P हम लोग यहाँ एयर में लेते हैं. अब एयर में मैं दिखा नहीं सकता इसलिए मैंने प्लेन पे लिया है, प्लेन पे लिया है. तो सपोज दिस इज एनी पॉइंट P एट विच ये पूरे बॉडी का मास इज कैपिटल एम, एंटायर बॉडी का मास इज कैपिटल एम, बट वट एवर पॉइंट वी हैव टेकन दैट्स मास इज स्मॉल डी एम. एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास डी एम है और ये डी एम का डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, z एक्सिस से इसका डिस्टेंस r है. यही सेम चीज आपको नोड्स के डायग्राम में मिलेगा जिसका हमें डेरिवेशन अभी करना है. तो ये डिस्टेंस r है. अब हमने क्या किया, x एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया एट पॉइंट P, x टू P. तो ये डिस्टेंस हमारा y हुआ एज वी कैन से. x एक्सिस से इस पॉइंट P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, x से किया तो y मिल रहा है. और y से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एज यू कैन सी, y से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हुआ पैरेलल टू द x एक्सिस, मतलब दिस लेंथ विल बी x. अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, नाम दे दे इसका OMP, OMP. सो दिस बिकम द राइट एंगल ट्रायंगल. एक्चुअली दिस राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन सी इन दिस डायग्राम बट यू कांट सी 90 डिग्री एंगल इन द प्लेन. जो हम डायग्राम नोट्स में दिखाएंगे उसमें हम ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज अब ये जो है वो 3D हो गया और जो नोट्स हम लोग लिखेंगे अभी वो 2D होगा. सो वी कांट फाइंड दैट. ओके, सो आई थिंक सो दैट पार्ट इज क्लियर. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में OMP में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, फिर से एक बार हम लोग स्टेटमेंट पे आ जाएं तो ये z एक्सिस हमारा पेन का एक्सिस इज z एक्सिस, ये एक्सिस हमारा x एक्सिस है और ये कैसा y एक्सिस। ऑल द एक्सिस आर perpendicular to each other or we can say simply mutually perpendicular to each other। Now we are talking कि अगर ये बॉडी इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है लाइक दिस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्स वाई मिलके जो बना है ये प्लेन है तो इस प्लेन के ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। Again I will repeat, moment of inertia of a plane lamina about any axis rotating about any axis which is perpendicular to its plane is equals to, मतलब ये moment of inertia along z axis I am talking iz is equals to sum of its moment of inertia about other two mutually perpendicular axes और वो दोनों perpendicular axes कौन से x and y। तो अगर इसका moment of inertia iz है suffix z, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग z एक्सिस विल बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो आई हैव टू प्रूव आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, दैट वी हैव टू प्रूव और यही हमारा स्टेटमेंट भी है। तो नाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट, ऑलरेडी स्टेटमेंट मेंशन है इसमें। आई जेड मैंने यहाँ पे याद रखने के लिए ये लिखा है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिसेस आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या है, जस्ट वी कैन राइट अबाउट इट, आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस और ये एक्सिस कैसा है rotating about any axis which is perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। ये पार्ट हमारा हो गया 1 is equals to ये हो गया 2 sum of its it becomes 3 moment of inertia about other two mutually perpendicular axes। other two mutually perpendicular axes तो हम इसको लिख नहीं सकते, that is moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis। तो overall statement क्या हो गया इसका, moment of inertia of a plane lamina rotating about any axis which is perpendicular to the plane is equals to sum of its moment of inertia about other two mutually perpendicular axes। So same statement is over here, so no need, I will not require to read the statement। और मैंने जो अभी practical observation में आपको diagram दिखाया 3D में, this one I can say ये same diagram is here and as initially I mentioned कि ये 3D को हमने 2D में ड्रॉ किया हुआ है so it is becoming difficult। तो anyway ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, this is right angle triangle, ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है, everything I mentioned। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट तीनों के बारे में पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट वी विल राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा इस पॉइंट पे मास जो है वो dm है, मास dm है, सो वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट आई विल राइट अबाउट z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। सो तीनों के बारे में हम लोग लिखेंगे, so we can say moment, since moment of inertia of mass dm about an axis about z-axis directly we can write about z-axis, z-axis. So z-axis के along क्या होगा? That will be z-axis से इस पॉइंट P का जो dm है मास उसका डिस्टेंस कितना है r, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल क्या होता है एम आर स्क्वायर. तो r के जगह क्या है हमारा, व्हाट इज r? r इज स्मॉल r एंड सो मास इज dm, सो इट विल बी r स्क्वायर इनटू dm. सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना about z-axis, that will be Iz will be integration of r square dm. What we are doing? हम पूरे बॉडी का चाहिए, so we'll integrate it. So it becomes r square dm. This is equation number 1 से, इसको हम equation 1 ले लेते हैं. Now same way we can start moment of inertia about x-axis, moment of inertia about x-axis, about x-axis. x-axis पे moment of inertia क्या होगा? We can say once again, अब हम distance कहाँ से लेंगे? ये हमारा x-axis है, x-axis से इस मास dm का moment of inertia from x-axis. So x-axis से इसका distance कितना है? अगेन आई एम टेलिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर. हम लोग dm मास के लिए ले रहे हैं, ये dm हो जाएगा, और अबाउट x एक्सिस चाहिए तो x एक्सिस से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज y. सो y स्क्वायर dm आ जाएगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस वी कैन राइट, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm एट point P about x-axis से ले रहे हैं, तो x-axis से डिस्टेंस कितना है ये हमें बार बार ध्यान रखना है. x-axis से इसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज y. सो इट विल बी ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू y square dm. So therefore moment of inertia of whole lamina about x axis हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. So Ix will be integration of y square dm. This I will take it as equation number 2. This will take it as equation number 2. Same way हमने z एक्सिस का ले लिया, x एक्सिस का ले लिया, अभी y एक्सिस का. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस. सो थर्ड वी कैन टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, about y-axis. What it will be? We can say, since moment of inertia of mass dm about y-axis, it will be what? It will be simply x square dm, y. Again reason is the same. हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, y-axis से. तो y एक्सिस से इस पॉइंट P का डिस्टेंस देखें तो np स्क्वायर है विच इज x स्क्वायर, np स्क्वायर विच इज x स्क्वायर. सो x स्क्वायर एंड मास इज dm बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. तो मास के जगह dm है एंड r ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस दैट इज x. सो x स्क्वायर dm दिस. सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of whole lamina about y axis ये क्या हो जाएगा, that will be i y and it will be x square dm, and that's integration. Now this become equation number 3 say. I will take it as equation number 3. Equation number 3. So okay, we did till here. अभी हम लोग फिर से एक काम करते हैं. जस्ट वी कैन सी. ओके, आई विल कॉपी इट. फाइन. नाउ एज वी कैन सी, ओके, इन दिस पार्ट इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं हम लोग. इन दिस पार्ट हमें ix, iy, we get ix, iz, ix and iy. So we are observing one thing, r square into dm integration of y square dm, integration of x square dm. और अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल या फिर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, आइदर m सॉरी omp और onp. तो इन ऑल केसेस वी विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो वी कैन टेक, अगर हमें आर एक्स एंड वाई में रिलेशन मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड डीएम का मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेशन कर लें. सो वी गेट व्हाट वी वांट, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दैट वी वांट. तो वी कैन राइट हियर इन, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वो ट्रायंगल हम दोनों ले सकते हैं एज आई सेड, ओ एम पी भी ले सकते हैं या ओ एन पी भी ले सकते हैं, कोई भी. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी में एज्यूम कर लेता हूँ. ओ एम पी में देखें तो ओ एम पी में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस theorem, according to Pythagoras theorem, what we will get? We will get OP square, will get OP square is equals to MP square plus OM square, OM square. OP is R square, as we can see OP is R square, MP is Y square and OM is X square. So we'll get Y square plus X square. So we get R square, Y square, X square, relation between these three. DM नहीं है तीनों में, तो हम क्या करें, वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय dm एंड इंटीग्रेटिंग. सो वी विल गेट व्हाट वी वांट. सो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय dm एंड integrating, we get what will get, integration of r square dm is equals to integration of y square dm plus integration of x square dm. And from these all three equations we have y square dm is ix, r square dm is iz, iz पहला टर्म मिल गया हमें, ये टर्म आई जेड हो गया. वाई स्क्वायर डी एम इज आई एक्स, एक्स स्क्वायर डी एम इज आई वाई. सो वी कैन राइट फाइनली वी आर गेटिंग आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, एंड दैट वाज टू बी प्रूव अस. यही टर्म हमें प्रूव करना था. वी कैन राइट इट ओके फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. Okay, so we complete the derivations for the parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. I hope you understood both the derivations. आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ like and share these videos and subscribe my channel.